आप इस बात को कुछ ज्यादा लाइटली नहीं ले रहे? तो क्या चाहते हो, क्या करूं? किस्मत का लिखा तो नहीं बदल सकता मैं, ना ही उस मरी हुई लड़की को जिंदा कर सकता हूं। इस सारे मामले में मेरा कंसर्न सिर्फ मेरा बेटा है, और मैं ये समझता हूं कि इस शौक से बाहर निकलने के लिए हमें उसे थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए। इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास कोई हल है तो बताओ। शायद आप ठीक कह रहे। शायद नहीं, यकीनन ठीक कह रहे। तुम्हारी माँ है उसके साथ? जी। ठीक है, जाओ जाके रेस्ट करो। गो एंड रेस्ट। जी। तू सो जा मेरी बेटी, मुझे नींद नहीं आएगी। अब मुझे कैसे नींद आ सकती? वो मेरी आपी को मुझसे छीन के ले गया बाबा। मेरी आपी नहीं रही अब। आपी के बगैर मैं कैसे रहूंगी बाबा? मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ। आपको पता है, आपको पता है मुझे लग रहा है मैं कमरे में जाऊंगी, आप भी वहां मौजूद होगी और बाबा ऐसे नहीं होगा। आप भी छोड़ के चली गई है बाबा। बाबा छोड़ के चली गई है बाबा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी वापस आ जाओ और सब कुछ ठीक हो जाए, सब खुश खुश रहे बाबा। पापा ने सब कुछ खत्म कर दिया और यहाँ भी ले गए हमसे। मैं बहुत मिस कर रही हूँ बाबा। आप ही को हम सब मिस कर रहे हैं मेरी जान। लेकिन तुम्हारी अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है ना बेटा? अगर तुम ऐसा करोगी, कमजोर पड़ोगी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। देखो, मेरी बेटी हो, मेरी बहादुर बेटी, मेरा साथ दोगी ना? हम दोनों मिलके सब संभाल लेंगे इंशाल्लाह। महक, ये क्या तुम हर वक्त किताबों में सर खपाती रहती हो? जिंदगी में और भी बहुत काम है करने के लिए। क्या मतलब? मेरा मतलब जैसे दोस्तों के साथ बाहर जाना, शॉपिंग करना या फिर मूवी पर चलना। तुम्हें तो पता है यही शॉपिंग अम्मी कर लेती हैं, और दोस्तों से मैं यूनिवर्सिटी में मिल लेती हूँ। बाकी ऐसे किसी चीज का शौक नहीं है। अति सादा हो तुम महक। अगर तुम कहो तो ताया से इजाजत लेकर तुम्हें मूवी पर ले चलो। नहीं, फिर कभी। फिर कभी कब आएगा तुम्हारा ये फिर कभी? हमेशा फिर कभी कहकर टाल देती हो तुम मुझे। आ जाएगा कभी ना कभी। इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, ये वक्त तो मेहनत करने का, कुछ बनने का। जब कुछ बन जाऊंगी तो जिंदगी भी एंजॉय कर लूंगी। जिंदगी का क्या भरोसा है, और कल किसने देखे? मैं तो कहता हूँ इस संडे का प्लान करते हैं और चलते हैं। मुझे है जिंदगी में भरोसा, कहीं नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन वक्त जरूर चला जाएगा। तुम भी इसे जाया मत करो। जिसने जाना था चली गई, लेकिन हमारी जिंदगी में ना अजाब छोड़ गई है। आंटी, मुझे महक के मरने का सुन के बहुत दुख पहुंचा है। अल्लाह उसकी फैमिली को सब्र दे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तो आपकी फिक्र है। मेरी? क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया था इस रिश्ते को। फिर शमशेर की जिद के आगे आप सब मजबूर हो गए थे, और अब उसके इस रवैये के बाद आप काफी स्ट्रेस्ड हो गई हैं। बहुत परेशान हूँ बेटा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। आंटी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ ना, शमशेर बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तुम उसकी बहुत पुरानी दोस्त हो, अगर तुम उससे बात करोगी ना तो शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। प्लीज ट्राई बेटा। बिल्कुल समझ जाएगा। मैं आ गई हूँ ना, आप सब मुझ पे छोड़ दें।
एक पल में, एक पल में मर गई। मैं यहां पल पल मर रहा हूं। बाबा साहब ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे नहीं मर सकती। मुझे एहसास है तुम्हारी तकलीफ का, लेकिन मोहब्बत की भी एक हद होती है। मरने वाले के साथ मोहब्बत नहीं की जाती। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती बाबा साहब। एक बार जब ये मोहब्बत किसी को अपनी हद में ले लेती है ना, तो फिर बेहद होती है, बेहद तकलीफ, बेहद चाह, बेहद दुख, कुछ भी हद के अंदर नहीं होता। फिर तो ठीक है, ये काम करते हैं, कुछ समय के लिए तुम कनाडा चले जाओ। चेंज ऑफ प्लेस विल चेंज योर माइंड। मुझे कहीं नहीं जाना। बाहर नहीं जाना चाहते तो फार्म हाउस पर चले जाओ। मैं आपसे कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना मुझे। आई होप कि कुछ दिनों में तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि तुम महज अपना वक्त जाया कर रहे हो। और जब तुम्हें अंदाजा हो जाए इस बात का, तो जस्ट लेट मी नो, आई डू द अरेंजमेंट्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अभी के अभी दफा हो जाओ यहां से। मैं की यादें समेटने आया था। यादें? कातिल हो मेरी बेटी के तुम। नफरत करती थी वो तुमसे, और हम भी तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। चले जाओ यहां से, गेट आउट। नवाब साहब, शुरू कर। सलामुअलैकुम मालिक। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए तो? जी, बस थोड़ी देर हुई पहुंचा। कोई मसला तो नहीं हुआ ना? आपका हाथ सर पे है तो फिर तकलीफ किस बात की? काम बड़े बढ़िया तरीके से हो गया। सबूत भी कोई नहीं छोड़ा। लाश भी पूरी तरह जल गई है। चलो ठीक है, तुम कुछ दिन उधर ही रुको, कोई काम हुआ तो बुला लो। जी मालिक। खुदा। क्यों, क्या हुआ, क्या है? कुछ बताओ तो सही, बात क्या है? भाईजान, मैं आपसे जो कह रहा हूं प्लीज वो कर ले, प्लीज। अच्छा, आता हूं।
हाँ ये गमले वगैरह भी रखे हैं, ये जाली जाली है, जाली वाला दरवाजा। हाँ मैं आ गया। यहाँ ये सब इस तरह, ये बताएं आपको किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मुझे किसी ने नहीं देखा। बस अंदर आए। बात क्या है? अरे अंदर तो चले आप। क्या अंदर, हुआ अंदर, क्या अंदर चले। ये घर किसका है? आए तो सही, कहाँ ले आए तुम? आप आने तो सही, किसका घर है ये? अरे चले तो सही ना। है क्या जगह बेटा, मुझे कुछ बताओ तो सही। हो क्या? ये कौन है? ये भाईजान, ये वक्त इन बातों का बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे समझ लें, ये हादसा नहीं था, महक को मारने की कोशिश की गई थी। कौन लोग हैं यार? क्या चाहते हैं हमसे? मैंने नुमान से बात कर ली है, अब ये वही रहेगी। नुमान कौन है? नुमान मुल्तान वाला। मुल्तान? जी भाईजान, भाईजान ये सबके हक में बेहतर होगा, आप फिक्र ना करें। आज मैंने टिकट करवा दिए, एक घंटे बाद ट्रेन रवाना होगी। अब आप खुद फैसला कर लें क्या करना है। यही ठीक है। इसको मुल्तान चले जाना चाहिए। नहीं बाबा, मैं आपको और मामा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हम ये सारी जिंदगी उससे डरते रहे, उससे भागते रहे? मैं खुद थाने जाऊंगी, रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, मैं गवाही दूंगी। किसके खिलाफ गवाही देगी? बहुत बड़े लोग हैं, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने पहले भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके बेटा। नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू चली जा मुल्तान, मेरा बच्चा। मुझे चाहे मुझसे दूर ही रहे। Assalamu alaikum. Please subscribe to AYY Digital YouTube channel for amazing content.